सकलं पर चितम केशवम भरत बनने का शौक है, भरत बनने का शौक है। नायकम रामचंद्रम भजे हरे राम हरे राम सो हे गाइज वेलकम टू माई YouTube चैनल। सो गाइज वीडियो के प्रीव्यू में आपने जो रील देखी उस टाइप की रील वीडियो अभी के टाइम पर Instagram को पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। जो भी इस तरह की रील वीडियो बनाकर अपने Instagram के ऊपर अपलोड कर रहा है उनकी रील वीडियो वायरल हो रही है। तो आज के इस वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि उस टाइप की रील एडिटिंग आप कैसे कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज इस तरह की रील एडिटिंग सीखने के लिए आपको VNA एप्लीकेशन चाहिए, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको VNA एप्लीकेशन ओपन करना है, बट उससे पहले फ्रेंड्स आपको अपनी गैलरी ओपन करनी है। ओके, अपनी गैलरी ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो अपनी 3 फोटो है ओके, तो आपको उनके अंदर जो ईयर रिंग्स होती है तो सिंपली आपको इनके ऊपर रेड सर्कल करना होगा। सो फ्रेंड्स वो करने के लिए आपको अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करना है गैलरी में एंड नीचे की तरफ आपको एडिट वाले बटन पर टैप करना है। ओके, गैलरी में ये ऑप्शन आ जाएगा, तो एडिट वाले बटन पर टैप कर सो यहाँ पे आपको मेकअप वाले बटन पर टैप करना है। ओके, एंड यहाँ पे देख सकते हो सर्कल यहाँ पे आ चुके हैं, कलर वगैरह ये भी आ चुके हैं, जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हो। कलर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सो गाइस कलर सेलेक्ट करने के बाद में आपको सिंपली अपनी फ़ोटो को जूम कर लेना है। ओके, एंड यहाँ पे आपको जो ईयर रिंग्स होती है तो सिंपली आपको इसको ऊपर सर्कल कर देना कुछ इस तरीके से, एंड रेड वाले बटन पे आपको टैप करके इसको सेव कर लेना फ़ोटो को। जैसे कि देख सकते हो इसको ऊपर आ चुकी है एंड इस पे ये नहीं है, तो इस तरीके से आपको अपनी जितनी भी फ़ोटो है आपको उनके ऊपर डॉट कर लेना है। सो गाइस यू होने के बाद में यहाँ पे आपको VNA एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, देन प्लस वाले आइकन पर टैप करके ऊपर की तरफ आपको न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है। सो न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करने के बाद में आपको अपनी गैलरी में से एक 19 सेकंड की एक वीडियो है, तो सिंपली आपको इसको अपने ऐप के अंदर ऐड कर लेना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स ये वाली वीडियो है तो ऐड कर लेना, मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो डाउनलोड कर लेना सबसे पहले, देन आपको ऐप के अंदर ऐड कर लेना है। तो ये कर लेना, ये होने के बाद फ्रेंड्स आपको अपनी वीडियो की आगे आना है, यहाँ पर आपको इसका वाटरमार्क देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद फ्रेंड्स आपको ये जो वीडियो है तो सिंपली आपको इसको ऊपर आपको टैप करना है एंड नीचे की तरफ आपको वॉल्यूम वाले बटन पर टैप करके इसकी वॉल्यूम को आपको म्यूट कर देना। ओके, तो ये करना है। ये होने के बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट काम करना है, आपको ये जो हमारी ये वीडियो है इसके अंदर आपको स्प्लिट ऐड करने हैं। ओके, 3 या 4 स्प्लिट आपको इसके अंदर ऐड करने हैं, तो स्प्लिट ऐड करने से पहले फ्रेंड्स आपको इसके अंदर ऑडियो ऐड करना है। ओके, ऑडियो ऐड करने के लिए आपको ऊपर की तरफ टैप टू ऐड म्यूजिक वाले बटन पर टैप करना है, देन म्यूजिक पर वापस से टैप करना है एंड ऊपर की तरफ आपको माई म्यूजिक वाले बटन पर टैप करके नीचे की तरफ आपको माई म्यूजिक वाले फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, देन नीचे की तरफ आपको एक्सपोर्ट म्यूजिक वाले बटन पर टैप करके वीडियो वाले बटन पर आपको टैप करना है एंड आपने जो वीडियो अभी डाउनलोड करी है जो मैंने आपको बताई है तो सिंपली आपको उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो सिलेक्ट करने के बाद में सो उस रील में से साउंड कन्वर्ट होकर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो सिंपली आपको यूज वाले बटन पर टैप करना है एंड नीचे की तरफ आपको बीट वाले बटन पर टैप करना है। सो फ्रेंड्स ये होने के बाद में आपको अपने ऑडियो में बीट ऐड करनी होगी, जैसे कि देख सकते हो मैंने ऑलरेडी कर रखी है 4 बीट है, तो आपको भी ये कर लेनी है। ओके, तो मैं इन बीट की साइज आपको बता देता हूँ किस टाइम पर आपको कौन सी बीट ऐड करनी है, तो नोट कर लेना। सो गाइस आपको अपनी फर्स्ट बीट ऐड करनी है 2.63 सेकेंड पे। ओके, याद कर लेना, ये नोट कर लेना एंड यहाँ पे आपको अपनी सेकेंड बीट नोट करनी है 4.91 सेकेंड, 91 सेकेंड। ओके, एंड यहाँ पे आपको अपनी तीसरी बीट ऐड करनी है 7.29 सेकेंड पे एंड यहाँ पे आपको अपनी लास्ट बीट फोर्थ बीट 11.30 सेकेंड पे। तो यहाँ पे आपको अपनी ये 4 बीट ऐड कर लेनी है। सो गाइस बीट ऐड करने के बाद में आपको नीचे राइट वाले बटन पे टैप कर देना है, तो ऑडियो इसके अंदर ऐड हो जाएगा जैसे कि देख सकते हो, तो ये कर लेना आपको। ये होने के बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट काम करना है, आपको अपनी बीट के ऊपर टैप करना है, बीट के ऊपर टैप करके आपको नीचे अपने ये वीडियो है टैप करना है इसको ऊपर एंड इसको आपको स्प्लिट करना है अपने बीट के अकॉर्डिंग, आपको इसको स्प्लिट करना है एंड सेकेंड बीट पर टैप करके वीडियो को स्प्लिट करना है एंड थर्ड बीट पर टैप करके आपको वापस से स्प्लिट कर देना है। कुछ इस तरीके से आपको अपनी जितनी भी बीट है उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो को स्प्लिट कर देना है। सो ये कर देना,
ये होने के बाद फ्रेंड्स आपको अपनी जो ये वीडियो है मतलब ये जो फोटो है लड़के की, तो सिंपली टैप करना इसके ऊपर एंड रिप्लेस वाले बटन पे टैप करना एंड यहाँ पे आपको अपनी गैलरी में से अपनी फ़ोटो सिलेक्ट करनी है जो आपने सर्कल ऐड करा है, तो सिंपली फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना। सो गाइस जैसे कि देख सकते हो ये फ़ोटो आ चुकी है। सो गाइस यू होने के बाद में यहाँ पे आपको अपनी जो ये सेकेंड फ़ोटो है तो इसके ऊपर आपको वापस से टैप करना है एंड रिप्लेस वाले बटन पे टैप करके आपको अपनी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेनी है। तो फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना। ओके, तो फोटो सिलेक्ट करने के बाद में ये जो ये वाला पार्ट है इसको आपको यही रहने देना। सो गाइस यू होने के बाद में आपको अपनी ये जो तीसरी फोटो है तो सिंपली यहाँ पे आ जाना, जो ये अक्षय कुमार का वीडियो है इसके आगे आपको आ जाना। ओके, तो इसके ऊपर टैप करना एंड रिप्लेस वाले बटन पर टैप करके आपको अपनी गैलरी में से फ़ोटो ऐड करना चाहते हो तो फोटो ऐड कर सकते हो, वीडियो ऐड करना चाहते हो तो सिंपली वीडियो को सिलेक्ट कर लेना। तो मेरे पास अभी वीडियो नहीं है तो मैं फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो आप अपनी फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हो या वीडियो सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये कर लेना। तो ये होने के बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट का काम करना है, आपको अपनी ये जो फर्स्ट पिक है इसके बीच में आपको ये प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा तो सिंपली टैप करना है इसके ऊपर एंड यहाँ पे आपको वाइट एनिमेशन सेलेक्ट कर लेना है। ओके, एंड यहाँ पे आपको वापस से आ गया ना, इस वाले पे टैप करना प्लस वाले आइकन पे, देन यहाँ पे वापस से वाइट एनिमेशन सेलेक्ट कर लेना। ओके, तो ये कर लेना। ये होने के बाद फ्रेंड्स आपको वापस से यहाँ आना है इस वाले के ऊपर एंड वापस से प्लस वाले आइकन पे टैप करके वाइट एनिमेशन सेलेक्ट कर लेना। तो कुछ इस तरीके से आपको ये तीन वाइट एनिमेशन सेलेक्ट कर लेना। ओके, ये होने के बाद में यहाँ पे आना है और इस वाले पे टैप करके आपको यहाँ पे जूम फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर लेना है। ओके, तो ये कर लेना। ये होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लिरिक्स ऐड करने हैं। ओके, तो लिरिक्स ऐड करने के लिए ऊपर की तरफ आपको टैप टू ऐड सबटाइटल पे टैप करना है, टेक्स्ट पे टैप करना है एंड ऊपर की तरफ ऐड हेडिंग वाले बटन पे टैप करके आपको अपने जो लिरिक्स हैं तो सिंपली आपको वो टाइप कर लेना है। तो मैं टाइप कर लेता हूँ। सो गाइस मैंने अपने लिरिक्स ऐड कर लिए जैसे कि देख सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ डबल एफ लिखा हुआ दिख रहा होगा तो टैप करना है इसके ऊपर एंड यहाँ पे आप ये फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो तो कर लेना। एंड आपको इसके बगल में डबल ए लिखा दिख रहा होगा तो सिंपली टैप करना है इसके ऊपर एंड आपको अपनी फॉन्ट की साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेना है एंड ऊपर की तरफ कलर वाला आइकन पर टैप करके आपको अपने टेक्स्ट में बॉर्डर ऐड कर लेना है कुछ इस तरीके से एंड राइट वाले बटन पर टैप करके आपको इसको ऊपर या नीचे ऐड कर देना है। ओके, एंड आपको ये जो लिरिक्स की साइज है तो सिंपली आपको इसको सेकंड बीट के अकॉर्डिंग रख देना है। जैसे कि देख सकते हो ये इसमें ऐड हो चुकी है तो ये कर लेना है। यू होने के बाद फ्रेंड्स आपको अपने वीडियो में आ जाना है। सो गाइस आपको अपनी जो तीसरी वीडियो है या तीसरी फोटो है वहाँ आ जाना है, वहाँ पर भी आपको लिरिक्स ऐड करने हैं। तो ऐड करने के लिए आपको वापस वहीं टैप करना है ऊपर की तरफ ये वाले जो लिरिक्स है फर्स्ट लिरिक्स है तो सिंपली आपको इसको ऊपर वाली यहाँ पे तीसरी फोटो पे आना है एंड टैप करना एंड टेक्स्ट वाले बटन पर टैप करके आपको ऊपर की तरफ एडिंग हेडिंग पर टैप करके आपको जो अपने लिरिक्स है टाइप कर लेना है। तो मैं लिरिक्स टाइप कर लेता हूँ। सो गाइस मैंने लिरिक्स ऐड कर लिए जैसे कि देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको वापस इसको थोड़ा सा छोटा कर देना एंड कलर वाले आइकन पर टैप करके बॉर्डर सेलेक्ट कर लेना है। ओके, तो ये कर लेना एंड आपको इसको एडजस्ट कर लेना है जहाँ आप करना चाहते हो एंड आपको ये जो लिरिक्स है तो सिंपली आपको इसको यहाँ तक कर देना है इस बीट के अकॉर्डिंग एंड इसको इस बीट के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से आपको ये कर देना। ओके, सो फ्रेंड्स यू होने के बाद में आपको अपने वीडियो में एक काम और करना होगा, अपनी फर्स्ट फोटो पे टैप करना है एंड आपको स्क्रॉल करके जूम वाले बटन को सिलेक्ट करना है एंड जूम आउट वाले इसको सिलेक्ट करना है, जूम आउट वाले को एनिमेशन को एंड राइट वाले बटन पे टैप करके आपको अपनी सेकेंड फोटो में वापस से जूम आउट को सिलेक्ट कर लेना है। तो इन दोनों में ये अप्लाई कर देना। ओके, तो ये होने के बाद में यहाँ पे हमारे ये वीडियो रेडी हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप ये वीडियो बना सकते हो फ्रेंड्स। तो एक बार हम वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं वीडियो कैसा बना है। बट उससे पहले फ्रेंड्स आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए एक बार वीडियो को चेक कर लेते हैं वीडियो कैसा बना है। सो गाइस हमारे वीडियो एकदम परफेक्ट तरीके से बन चुका है जैसे कि अभी आपने देखा होगा। तो वीडियो को आपको गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर डाउनलोड वाले एरो पर टैप करना है एंड नीचे एक्सपोर्ट वाले बटन पर टैप करना है एंड ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव होने लग जाएगा।